चलिए आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बॉलीवुड की कुछ उन हिट जोड़ियों के बारे में बात करते हैं जिन्हें फिर से एक बार बड़े पर्दे पर साथ में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग। हमारे लिस्ट में पहला ही नाम है बॉलीवुड की सबसे सुपरहिट ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल की। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी ना जाने कितनी सुपरहिट फिल्में दी है इस जोड़ी ने। लेकिन पिछले कई सालों से किसी फिल्म में इनको एक साथ देखना जैसे नदारत ही हो गया है। शाहरुख खान और काजोल की अंतिम फिल्म जो उन्होंने साथ में की थी वो फिल्म थी दिलवाले। उसके बाद एक भी फिल्म में उन्होंने साथ काम नहीं किया। लोग उन्हें साथ में और फिल्मों में देखना चाहते हैं। शाहिद कपूर और करीना कपूर की प्रेम कहानी का जिस तरह से अंत हुआ कहीं ना कहीं उसका असर उनके प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ा। इसलिए तो जब भी मेट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाली जोड़ी जैसे गायब ही हो गई। हाँ, 2016 की फिल्म उड़ता पंजाब में शाहिद और करीना दोनों थे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट नहीं। इस हिट जोड़ी को फिर से एक बार बड़े पर्दे पर साथ देखने के लिए सब उम्मीद लगा कर बैठे हैं। हमारे लिस्ट में अगला नाम अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह का है। अनुष्का और रणवीर की जोड़ी पिछले बार 2015 की फिल्म दिल धड़कने दो में दिखी थी। वैसे इन दिनों तो अनुष्का शर्मा की कोई फिल्म भी नहीं आ रही है, तो ऐसे में तो ऐसा ही लगता है कि अनुष्का और रणवीर के फैंस को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है दोनों को बड़े पर्दे पर एक साथ देखने के लिए। क्यों हो गया ना में विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या राय के बीच में जो केमिस्ट्री दिखी थी उसके बाद से वो जोड़ी हिट बन गई थी। दोनों रिलेशनशिप में आए, फिर उनका ब्रेकअप हुआ और इन सब चीजों में जो चीज पीछे छूट गई वो उनकी हिट जोड़ी। लोगों का सपना सपना ही रह गया फिर से उन्हें बड़ी स्क्रीन पर देखने का। वेल, हम तो यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो दिन जरूर आएगा जब ये साथ में फिल्म करने को तैयार हो जाएंगे। अक्षय और शिल्पा की जोड़ी को जब सबने धड़कन में देखी थी तो उसने सभी की धड़कने ही बढ़ा दी थी, लेकिन न जाने इस जोड़ी को किसकी नजर लग गई, फिर इन्होंने साथ में ज्यादा काम नहीं किया। अब ये दिलचस्प बात होगी कि क्या आगे कभी ये साथ में काम करेंगे। अब जब अक्षय कुमार की बात कर ही रहे हैं तो एक और एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी को लोगों से खूब प्यार मिला और वो एक्ट्रेस है रवीना टंडन। टिप टिप बरसा पानी पर अक्षय और रवीना का डांस आज भी आग लगाता है। खबर है कि वेलकम टू द जंगल में रवीना और अक्षय साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है वो तो समय ही बताएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट ने एक ही साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद कपूर एंड सन्स में भी दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट काम किया। खबरें आने लगी कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद इनके ब्रेकअप की खबर भी सामने आई। इनकी क्यूट बॉन्डिंग को लोग आज भी मिस करते हैं और फिर एक बार इनको फिल्मों में साथ देखना चाहते हैं। अब जब हम आइकॉनिक ऑन स्क्रीन जोड़ियों की बात कर ही रहे हैं तो सलमान खान और माधुरी दीक्षित को कैसे ही भूला जा सकता है। हम आपके है कौन से उनकी जोड़ी जो फेमस हुई वो आज भी है, लेकिन कई साल बीत चुके हैं जब लोगों ने उनको किसी फिल्म में साथ देखा हो। अब परफेक्ट समय है जब वो फिर से बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आए। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी भी लोगों की ऑल टाइम फेवरेट जोड़ियों में से एक है। दोनों लास्ट टाइम साथ में तमाशा में नजर आए थे, उसके बाद से तो उनको किसी एक फिल्म में देखना जैसे सपने जैसा ही लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं टीना और राहुल की, मतलब रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की। दोनों ने साथ में कितनी सुपरहिट फिल्म दी लेकिन पिछले कई सालों से उन्होंने साथ में काम नहीं किया। उनके फैंस इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब वो फिर से एक साथ काम करेंगे। तो कुछ ये थे वो आइकॉनिक ऑन स्क्रीन जोड़ियां जिन्हें लोग फिर से एक बार बड़ी स्क्रीन पर साथ देखना चाहते हैं। वैसे इनमें से या इनके अलावा किस जोड़ियों को आप साथ में देखना चाहते हैं फिल्मों में, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।